स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लॉज ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे पहले हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस किया है, उसके काजेज क्या है वो भी हमने डिस्कस किए हैं डिटेल में। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, एंड डायनेमिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, वो हर एक चीज हमने डिटेल में डिस्कस की है। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एज यू नो दैट जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ लॉज है वो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देयर लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, देयर आर फोर लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। Okay, how many laws are there? Four laws. Number first law of force of limiting friction, jisko hum kehte hain, it is about the magnitude of force of limiting friction. It is about the magnitude of force of limiting friction. FL se represent karenge, in short, FL is the force of limiting friction. सो फर्स्ट लॉ इज अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। यह हमें बताएगा जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद सेकंड लॉ इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यह हमें बता देगा अगर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी बॉडी पर एक्ट करता है तो कहां पे एक्ट करता है और किस डायरेक्शन पे एक्ट करता है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो दिस इज द सेकंड लॉ। एंड देन थर्ड लॉ ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अबाउट द एरिया, अपेरेंट एरिया ऑफ कंटेक्ट, एरिया ऑफ कंटेक्ट। ये हमें बता देगा जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एरिया, अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड है या नहीं है। इज इस क्लियर, ये भी देखेंगे हम। दिस इज द थर्ड लॉ। एंड देन द फोर्थ लॉ, लास्ट लॉ, दैट इज द फोर्थ लॉ, इट इज अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन व्हाट, ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस। इट इज अबाउट द नेचर ऑफ surfaces in contact. Is this clear to you? यह हमें बता देगा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नेचर ऑफ सर्फेस पे डिपेंड है या नहीं है, अगर है तो कैसे है। Is this clear to you? तो ये चीजें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टन एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, उसकी मदद से ये फोर लॉज हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे detail with help of certain examples. Okay, now let's consider a horizontal table. Okay, this is a horizontal table, and now take a rectangular wooden block. Okay, usko hum rakhenge on the surface of table. Ye rakh diya humne yahan pe wooden block. Is this clear? Ye block rakh diya yahan pe humne. Suppose m is the mass of the block, then the block is at rest here on the surface of table. How many forces are acting on it? इस पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, देर आर टू फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एट रेस्ट ऑन द टेबल। वन इज द वेट, एम जी, वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इट इज बिकॉज ऑफ वॉट, इट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड one more force is acting on the block, that is the push exerted by the table on the block as a reaction in normal direction, and that is called normal reaction. Is this clear to you? Yeah. R, what is R? R is the force exerted by the table on the block in normal direction, vertically upward direction. Is this clear to you? And this is what we call normal reaction. ठीक है? Okay. अब देखिए ये जो block है नहीं ऊपर जा रहा है, टू फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं जब रेस्ट पे होगा। एक है वेट ऑफ द ब्लॉक,
which is due to the first gravitational pull and is acting vertically downwards. Second is the normal reaction, which is acting upwards, normal to the surface of contact. Is this clear? Okay. अभी जो ब्लॉक है न ये ऊपर जा रहा है न ये नीचे जा रहा है, न दाएं जा रहा है न बाएं जा रहा है। दाएं बाएं तो जाएगा नहीं, वहां तो कोई फोर्स है नहीं। अब दो ही फोर्स है, ऊपर नीचे, न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। अगर आर रिएक्शन ज्यादा होती तो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो जाता, अगर वेट ज्यादा होता है तो नीचे एक्सीलरेट हो जाता, पर ऐसा नहीं है, ये रेस्ट पे है। इसका मतलब है जो वेट ऑफ द ब्लॉक है इसको रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया है। सो रिएक्शन आर is equal to mg, reaction is the force exerted by the table. So table kya kar raha hai, it supports the weight of the block. Is this clear to you? So normal reaction jo hai is equal to mg. Is this clear? Shabash. Ab iske baad kya karna hai, usi tarah jaise humne pehle bhi discuss kiya hai, is pe ek small force apply karenge, push karenge, f dash is the applied force. जब हम स्मॉल फोर्स पे अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर अप्लाइड फोर्स इनिशियली बहुत वीक होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, तो ब्लॉक ऑब्वियसली मूव नहीं करेगा। इज दिस क्लियर टू यू? इसका मतलब क्या हुआ? न्यूटन्स लॉ फेल हो रहे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ, व्हेन एवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक द बॉडी विल मूव, इफ इट इज एट रेस्ट द बॉडी विल एक्सेलरेट, वो एक्सेलरेट हो जाएगी। Whether we apply strong force or weak force, there is no condition of it. ठीक है, strong force से जल्दी accelerate हो जाएगा, weak force से धीरे धीरे accelerate हो जाएगा। One thing is clear, whenever force is applied on the block on an object, the body will accelerate. The body must accelerate. ठीक है ना, यहाँ पे हम small force apply कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे accelerate होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, move नहीं कर रहा है, it still remains at rest. ठीक है ना, so इसका मतलब क्या हुआ? Newton's laws of motion fail नहीं हुए, तो फिर क्या हुआ? एक opposing force arise हो रहा है, an opposing force comes into play, ठीक है ना, which counterbalances what? The applied force, ठीक है ना, जो इसका applied force को counterbalance कर रहा है, जो हमने पहले ही भी discuss किया है, this is the opposing force, force of friction. Is this clear to you? और उसका magnitude कितना होगा? उतना ही होगा जितना applied force का होगा, but opposite direction में, इसीलिए तभी तो counterbalance कर सकता है, ठीक है, तो यही वजह ये move नहीं कर रहा है। अगर ये मूव करता तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इससे कम होता है, मगर यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है अपोजिट फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना अप्लाइड फोर्स का है। इज इट क्लियर? ओके, बट अपोजिट डायरेक्शन में जब नेट फोर्स देखते हैं वो जीरो के बराबर होता है। एफ डैश इज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, एंड एफ इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन इसको कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ब्लॉक अभी रेस्ट पे ही है, फ्रिक्शन भी है, ब्लॉक रेस्ट पे भी है, अप्लाइड फोर्स भी है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है। उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जब ब्लॉक अभी रेस्ट पे ही होगी, उस वक्त उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया डिटेल में। इज इट क्लियर? ओके, अब मान लीजिए हमने इनिशियली 0.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जो अपोजिंग फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो भी, यानी कि एक अपोजिंग फोर्स सेटअप हो रहा है, वो भी कितना होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर, दैट इज 0.1 न्यूटन। ठीक है, अब अगर हम अप्लाइड फोर्स दोबारा इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करेंगे 0.2, ठीक है, इसको 0.2 बना देंगे, थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, फिर से मान लीजिए ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ, वो भी इंक्रीज हुआ खुद ब खुद अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। इज दिस क्लियर टू यू? अगर फिर से हम इंक्रीज करेंगे स्लाइटली अप्लाइड फोर्स, ठीक है, दोबारा और इंक्रीज करेंगे, अगर फिर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑफ, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी इंक्रीज हो गई बाय द सेम अमाउंट। इज दिस क्लियर? ये इसी के बराबर रहती है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर? ठीक है ना, तो इफ वी गो ऑन डूइंग दिस, इफ वी गो ऑन इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स स्लाइटली स्लोली, ठीक है ना, अगर हम ऐसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करते जाएंगे, फाइनली स्टेज विल रीच, एक स्टेज आ जाएगी। कौन सी स्टेज? अब फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स इतना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना होगा, अगर उसके बाद
स्लाइटली फोर्स आप अप्लाई इंक्रीज करेंगे तो जो ब्लॉक होगा उसके बाद ये मूव करना शुरू करेगा, यानी कि उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोबारा और इंक्रीज नहीं होगा। इस इसके लिए मान लीजिए ये है वो स्टेज 0.4 न्यूटन, 0.4 न्यूटन इज द अपोजिंग फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके बाद अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्लाइटली इंक्रीज करें, फोर्स अप्लाइड फोर्स स्लाइटली इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये स्लाइटली इंक्रीज मैंने कर दिया, देयर इज नो इंक्रीज इन व्हाट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो वही रहेगा तकरीबन, पहले तो वही रहेगा 0.4 न्यूटन, ठीक है, जो ही मैंने ये अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑफ ज्यादा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बनस्पत, ठीक है ना, उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ब्लॉक मूव करना शुरू करता है। इज दिस क्लियर टू यू? तो अब यहाँ पे स्टेज पे आ जाएगी, यहाँ पे ये मोशन आ जाएगी, उसके बाद अगर फर्दर इंक्रीज करेंगे 0.4 2 या 0.45 करेंगे तो यहाँ पे 0.38 बनेगा, डिक्रीज हो जाएगा, देयर इज स्लाइट डिक्रीज इन द फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद और इंक्रीज करेंगे 5 न्यूटन, ये फिर तकरीबन 0.38 ही रहेगा, एज यू नो जो हमने पहले भी डिस्कस 0.6 और इंक्रीज करेंगे अप्लाइड फोर्स, ये तकरीबन 0.38 ही रहेगा। इज दिस क्लियर टू यू? तो उसके बाद जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, यहाँ पे बॉडी मोशन में है तो इस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, ठीक है ना, बॉडी पे एक्ट कर रही होगी, उसको कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, बॉडी मूव भी कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, उसको कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब इसी तरह से यहां पे देखिए, यहां से यहां तक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, तो उतना ही बढ़ रहा है जितना हम अप्लाई फोर्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है ना, कहां तक, इस स्टेज तक। अब यहां पे उसके बाद फर्दर देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, उसके इस दिस इज व्हाट वी कॉल मैक्सिमम वैल्यू, जो यहां पे वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू होगा किसका, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर टू यू? सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस ब्लॉक पे हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे अप्लाइड फोर्स ताकि ये इस स्टेज पे आ जाए, किस स्टेज पे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन स्टेज पे आ जाए, ठीक है। अब अगर इस स्टेज पे आ गया, मान लीजिए उस वक्त इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, 0.4। अब इसके बाद स्लाइड अगर इंक्रीज करेंगे अप्लाइड फोर्स तो बॉडी मूव करनी स्टार्ट करेगी, ठीक है ना, देन द बॉडी स्टार्ट मूविंग ऑन द सर्फेस ऑफ टेबल। इज दिस क्लियर? ओके, तो यहां इस स्टेज तक हम आ जाएंगे एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर? ओके, अब यहां पे इन दिस केस हमने एज्यूम कर दिया फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कितना है, इस केस में, इस एग्जाम्पल में जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज सपोज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज सपोज 0.4 न्यूटन इन दिस केस, दिस केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड देखेंगे, केस नंबर सेकंड, आप देखिए यहां पे नॉर्मल रिएक्शन भी पता है आपको, वेट भी पता है आपको, ठीक है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 0.4 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स भी इतना ही होगा। इज दिस क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे, वी विल मेक नंबर ऑफ चेंजेस इन दिस सिस्टम, टेबल ब्लॉक सिस्टम, इसमें हम नंबर ऑफ चेंजेस करेंगे वन बाय वन। पहले हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन चेंज करेंगे, अगर रिएक्शन चेंज करेंगे तो देखेंगे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ेगा, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उसके बाद फिर रिएक्शन कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यानी कि जो एरिया ऑफ कंटेक्ट है, यहाँ पे एरिया ऑफ कंटेक्ट इतना है, पेरिमीटर एरिया ऑफ कंटेक्ट, जो इस फेस का, ब्लॉक के फेस का जो एरिया होगा जो टेबल के साथ टच कर रहा है उसको कहते हैं अपेरेंट एरिया ऑफ कंटेक्ट। अगर वो अपेरेंट एरिया ऑफ कंटेक्ट हम इंक्रीज करेंगे,
उसके बाद पहले हम रिएक्शन चेंज करेंगे, उसके बाद एपर्चर चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, उससे देखेंगे कीप इन रिएक्शन कॉन्स्टेंट, फिर रिएक्शन को कॉन्स्टेंट रखेंगे जस्ट सेकंड केस थर्ड केस में, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज करेंगे तो फिर देखेंगे फोर्स ऑफ प्रिंटिंग फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ेगा, वो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह से हम जो इसी तरह से फोर्थ केस जो होगा, फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्स्टेंट रखेंगे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी कॉन्स्टेंट रखेंगे, मगर हम अब जो सरफेसेस है उनका नेचर हम चेंज करेंगे, सरफेस इन कॉन्टैक्ट जो है उनका नेचर चेंज करेंगे, फिर देखेंगे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या होता है, इज इट क्लियर टू यू। तो नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ सरफेस हम चेंज करेंगे, उससे देखेंगे इफेक्ट ऑन व्हाट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। ये चीजें हम वन बाय वन करेंगे यहाँ पे, इज इट क्लियर टू यू। तो एक चीज मैंने बता दी, अब दूसरी चीज हम करेंगे इसी तरह से, वी विल रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, बट दिस इन द सेकंड केस वी विल इंक्रीज द रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सेकंड केस में, फिर से यही टेबल है, देयर इज नो चेंज इन द टेबल, टेबल सेम रखेंगे, ब्लॉक भी सेम है जो इसके ऊपर हमने रखा, मान लीजिए ब्लॉक ए है, दिस इज ब्लॉक ए, इस ये ब्लॉक ए है, ओके, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखेंगे, दिस ब्लॉक ए, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखें, आइडेंटिकल ब्लॉक, आइडेंटिकल मीन्स जितना इसका सरफेस, जितने इसके सरफेस से उतने इसके भी सरफेस से, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है ना, सरफेस है जितना इसका है उतना भी इसका भी है, आइडेंटिकल, ठीक है, मैच जितना इसका है उतना इसका भी है, ठीक है, ओके। अब दोनों का जो नेट वेट होगा वो क्या होगा, नेट वेट इन दिस केस द नेट वेट इज डबल, ट्वाइस एम जी, बिकॉज वी हैव टू ब्लॉक्स, एक ब्लॉक ए है उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक हमने रखा बी, ठीक है ना, व्हाट इज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो फर्स्ट केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वही अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सेकंड केस में भी, देयर इज नो चेंज इन अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब खाली चेंज क्या हुआ, वेट, अब जब डबल वेट होगा तो डबल रिएक्शन भी होगा, डबल नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां पे जो रिएक्शन है इट इज ट्वाइस आर नाउ, इज इट क्लियर। तो सेकंड केस में हमने क्या किया, हमने रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन को हमने इंक्रीज कर दिया, अब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अब धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे, स्टैटिक फोर्स कम्स इनटू प्ले, ठीक है ना, विच काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स, इज इट क्लियर, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, इज इट क्लियर, इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे, देन फाइनली स्टेज विल रीच जहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना, तो फाइनली स्टेज आ जाएगी उस जहां पर ये बॉडी तैयार होगी मूव करने के लिए ऑन द सरफेस ऑफ टेबल, उस वक्त जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम होगा उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहां पे देखने में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इन द सेकंड केस व्हेन यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन द फैशन एज आई हैव शोन हियर, ठीक है ना, तो यू विल फाइंड आउट दैट इस वक्त अगर पहले केस में 0.4 न्यूटन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन था, अब ये फ्रिक्शन होगा अबाउट 0.8 न्यूटन, ठीक है ना, ये होगा अबाउट 0.8 न्यूटन, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे एरर्स आ जाते हैं, तो ये होगा तकरीबन 0.8 न्यूटन, इज दिस क्लियर टू यू, ओके। अब अगर तीसरी बार करेंगे एक और ब्लॉक रखेंगे तो रिएक्शन होगी 3 टाइम्स, वेट होगा 3 टाइम्स, रिएक्शन 3 टाइम्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसी तरह से रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट तो देखेंगे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, वो होगा 3 टाइम्स यानी कि 1.2 न्यूटन, इज दिस क्लियर टू यू, 1.2 न्यूटन आएगा फिर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आफ्टर दैट, जो 1.2 न्यूटन, इज दिस क्लियर टू यू। इसका मतलब क्या हुआ, हमने डबल रिएक्शन कर दी, डबल भी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी रिएक्शन तो 3 टाइम्स फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, अगर हम डिक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, सो इट इंडिकेट्स दैट फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, इज दिस क्लियर टू यू, दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, पहले इसको किस स्टेज पे लाना है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग स्टेज पर,
फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के स्टेज पर, फोर्स ऑफ लिमिटिंग स्टेज के स्टेज पर लाना है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के स्टेज पर लाना है. इज दिस क्लियर टू यू? ओके, इज दिस क्लियर टू यू? तो यहां पे जब हम रिएक्शन इंक्रीज करेंगे बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ब्लॉक, तो कीपिंग द एरिया ऑफ कंटैक्ट कांस्टेंट, ठीक है ना, व्हाट हैपेंस, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीजेस अकॉर्डिंगली. इज दिस क्लियर टू यू? सो दिस इंडिकेट्स दैट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द नॉर्मल रिएक्शन. इज दिस क्लियर? सो तो यहां पे स्टेटमेंट क्या आएगी, देन द अकॉर्डिंग टू व्हाट, फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द फोर्स, द मैग्नीट्यूड, इट इज अबाउट द मैग्नीट्यूड, यहां पे मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन between the surfaces and surface of two objects in contact depends directly on the normal reaction, जो normal reaction होगी किसके दर, इस system of table block system के दरमियान, ठीक है, directly on the normal reaction between them. जितनी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी उतना ही फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा. तो इट मीन्स दैट अगर लाइट ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन काम होगा तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी काम है, ठीक है. अगर हेवी ऑब्जेक्ट होगा, फॉर हेवियर ऑब्जेक्ट नॉर्मल रिएक्शन इज मोर एंड देयर फोर द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा. इज दिस क्लियर टू यू? तो हेवियर ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो लाइट ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन काम होता है. Is this clear to you? Okay, this is what we call first law. ये हो गया first law. अब इसके बाद second law पे आते हैं. अब है second law. Second law of limiting friction. ठीक है? अब जो second law of limiting friction है, as you know, जैसे पहले मैंने बता दिया, it is about the direction of force of limiting friction. ठीक है? उसकी direction क्या होती है? जैसे कि पहले ही हमने बता दिया, जो force ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एंड इट ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर रहता है, ठीक है ना. जब हमने फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है एक अपोजिंग फोर्स पे एक्ट कर रहा है. अपोजिंग का मतलब है इसकी डायरेक्शन जो होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, वो होगी माइनस नेगेटिव एज दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स. अगर फोर्स यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अपोजिट फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. दिस इज क्लियर टू यू? सो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इट ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अपोजिट द डायरेक्शन इन विच, यहां पे स्टेज है ना, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेज पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. इज दिस क्लियर? उस स्टेज पे क्या होगा, ब्लॉक तैयार होगा कि वो मूव करे. द ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ टेबल. उस स्टेज पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो हम कह सकते हैं यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है. पर्टिकुलर स्टेज पे हम बात कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना, अपोजिट, ठीक है. उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो बॉडी होगी वो क्या, अब तैयार होगी कि वो मूव करे, मूव करने के लिए अब तैयार होगी ऑन द सर्फेस ऑफ टेबल, ठीक है ना. इज दिस क्लियर यू? किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. इज दिस क्लियर? So we can say the force, the direction of force of limiting friction is always opposite to the direction in which one body, your block, is at the verge of moving.
ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी. ये वही स्टेज है जहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. इज क्लियर टू यू? ओके. अब ये कहां पे एक्ट करता है वो देखेंगे अब हम. अब ये हमने अब पता चल गया जो फोर्स ऑफ लिंथ इन्फेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. अब ये यहां पे एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, ठीक है ना? अभी वो नहीं पता है. अब कैसे पता चलेगा? अब हम क्या करेंगे, ये जो सरफेस है इसका नेचर चेंज करेंगे. ये पहले रफ था, इसको थोड़ा स्मूथ कर देंगे. अगर हम स्मूथ करेंगे तो फिर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे. तो अब लिम्फ फोर्स ऑफ लिम्फ इन्फेक्शन जो पहले आ रहा था 0.4 न्यूटन, अब वो आएगा 0.2 न्यूटन. अगर थोड़ा सा हमने इसकी रफनेस कम कर दी, स्मूथ बना दिया, तो ये फोर्स ऑफ लिम्फ इन्फेक्शन अब क्या होगा, डिक्रीज होगा. एज इज क्लियर टू यू? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स ऑफ लिम्फ इन्फेक्शन हम जो अराइज होता है फोर्स ऑफ लिम्फ इन्फेक्शन, वो कहां पे अराइज हो रहा है? वो अराइज हो रहा है कहां पे, बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, जहां पे टू सरफेस इन टच है, ठीक है ना? इसीलिए जब हमने उनका नेचर चेंज किया, उसकी रफनेस हमने चेंज की, ठीक है ना, तो फोर्स ऑफ लिम्फ इन्फेक्शन भी चेंज हो गया. अगर वो यहां पे एक्ट करता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, अगर यहां पे सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट हम चेंज करते तो उस फोर्स पे कुछ असर नहीं पड़ता. मगर सरफेस हमने चेंज, सरफेस का नेचर हमने चेंज किया, फोर्स ऑफ लिम्फ इन्फेक्शन पे असर पड़ा. तो इसका मतलब ये हुआ द फोर्स ऑफ लिम्फ इन्फेक्शन एक्ट टेंजेंशियली बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट यहां पे, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द सेकंड लॉ. सो व्हाट इज द सेकंड लॉ देन? सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग friction always acts tangentially ये हमेशा tangentially act कर रहा है. कहां? between the surfaces इन कॉन्टेक्ट, बिटवीन द सर्फेस इन कॉन्टेक्ट, जहां पे दो फर्स्ट सर्फेस आपस में अटैच कर रहे हैं वहां पे टेंजेंशियली एक्ट कर, ये टेंजेंशियली अलॉन्ग द सर्फेस इन कॉन्टेक्ट, ठीक है? ओके. इन किस डायरेक्शन में? इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन अपोजिट होगी उस डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन को? इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट द डायरेक्शन इन विच, इन विच वन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग over the surface of another body. Is this clear? जहां पे बॉडी तैयार होगी मूव करने के लिए, जिस डायरेक्शन में तैयार होगी मूव करने के लिए. अब यहां पे जब लिम्फ इन्फेक्शन का स्टेज आ जाएगा, ये बॉडी अब तैयार है कि ये राइट डायरेक्शन में मूव करे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. वो यहां हमने लिखा है. तो फोर्स ऑफ लिम्फ इन्फेक्शन ऑलवेज एक्ट्स tangentially, always acts tangentially between the surface in contact in a direction opposite to the direction in which one body is at the verge of moving over the surface of another body. Is this clear to you? ये second law हो गया इसके साथ. अब इसके बाद हम discuss करेंगे third law की तरफ आ जाएंगे. Third law क्या कह रहा है, तो इसके लिए भी इसी तरह से एक simple experiment करेंगे, ठीक है? तो ये सेकंड स्टेज है, सेकंड केस है एक्सपेरिमेंट का. इसके बाद थर्ड केस है एक्सपेरिमेंट का. यही टेबल ले लेंगे हम, फिर से कंसीडर करेंगे सेम टेबल, ठीक है? ओके. अब इस थर्ड केस में, दिस इज द केस नंबर थर्ड, ठीक है? थर्ड केस में टेबल वही है, इस पे ब्लॉक रखेंगे हम, ब्लॉक नंबर ए, जो पहले यहां पे ब्लॉक ए था, ठीक है? दिस ब्लॉक ए हियर,
ओके। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम एक और ब्लॉक रखेंगे। अब ब्लॉक बी इसके ऊपर नहीं रखेंगे हम, वो इसके साथ रखेंगे हम, सेकंड ब्लॉक इसके साथ रख दिया, सेकंड ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक बी। नाउ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्लॉक्स एट बी, ठीक है, ओके, साइड पे रख दिया, इसके साथ चिपका के रख दिया। अब हम क्या कर, अब इनका वेट क्या होगा, द कॉम्बिनेशन ये अब एक्ट करेगा एज ए सिंगल ब्लॉक, सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स, इनका जो नेट वेट होगा वो क्या होगा, वो नेट वेट दोनों के वेट के बराबर होगा, दैट इज ट्वाइस एम जी, इज इट क्लियर। अब वेट डबल हो गया, अब इस यहां ये स्टेज यहां पे भी डबल डबल वेट है, जब दो ही ब्लॉक रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, वेट वही है ट्वाइस एम जी। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वो है ट्वाइस आर, इज इट क्लियर, ओके। अब हम फोर्स अप्लाई करेंगे कहां से, इस डायरेक्शन में स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे, दिस अप्लाइड फोर्स एफ डैश। अब ये रिपीट करेंगे, ये है एक्सपेरिमेंट इसी तरह से, एज यू नो दैट एन अपोजिट फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हिच एक्ट्स टेंजेंशियली बिटवीन सरफेस एंड कॉन्टैक्ट, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इज इट क्लियर। अब इंक्रीज करते जाइए अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड फाइनली स्टेज रीचेस, ठीक है ना, जहां पे ये जो सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स है ये अब तैयार होंगे कि ये मूव करे। अगर थोड़ा सा स्लाइटली हम अप्लाइड फोर्स फर्दर इंक्रीज करेंगे फिर ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबल, इज इट क्लियर, ओके। उस स्टेज पे अब हम देखेंगे जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब वो मेजर करेंगे वो कितना होगा, तो वो इस इन दिस केस वो होगा 0.8 न्यूटन, इज इट क्लियर। उतना ही जितना इस सेकंड केस में है उतना ही थर्ड केस में भी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। दोनों केस को कंपेयर करते हैं, ठीक है, यहां पे वेट कितना है, डबल, नॉर्मल रिएक्शन भी डबल है, देयर इज नो चेंज इन द नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, अब यहां पे हमने क्या चेंज कर दिया, एक ही चेंज कर दिया हमने, अब हमने एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज कर दिया डबल, यहां पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इतना था अब हमने डबल कर दिया, ठीक है ना, ये ब्लॉक यहां से उठाकर नीचे रख दिया तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट डबल हो गया। वट एवर द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वो 0.8 न्यूटन, यहां भी 0.8 न्यूटन, सो इट मीन्स दैट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है उसको इंक्रीज करने से, डबल करने से, थ्री टाइम्स इंक्रीज करने से फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन चेंज नहीं होता है। इट्स क्लियर टू यू, ये प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द थर्ड लॉ, इसी को कहते हैं थर्ड लॉ, यही है थर्ड लॉ। सो व्हाट इज द थर्ड लॉ, ये कब तक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज है ना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ट्वाइस आर, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ट्वाइस आर है, सो फार एज द नॉर्मल रिएक्शन इज सेम, देर इज नो चेंज इन द नॉर्मल रिएक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगी तब केस डिफरेंट होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन हमें कॉन्स्टेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, तब जाके अगर एरिया चेंज करेंगे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी। दिस इज द थर्ड लॉ, थर्ड लॉ। सो व्हाट इज द थर्ड लॉ, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बिटवीन द सरफेसेस एंड कॉन्टैक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग, कब तक, सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस remains same, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, जब तक नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस चेंज नहीं होगी, नॉर्मल रिएक्शन जब तक कॉन्स्टेंट रहेगा तब तक क्या होगा, तब तक
जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एरिया पे एक्टिव नहीं करेगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। अगर एरिया चेंज करेंगे वो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा। सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर टू यू? अब इसके बाद लास्ट लॉ है, दैट इज अबाउट द नेचर ऑफ सर्फेसिस इन कंटेक्ट। ठीक है, नेचर ऑफ सर्फेस इन कंटेक्ट। ओके, अब देखिए, अब फर्स्ट केस पे वापस आ जाएंगे जो पहले एग्जाम्पल है। अब यहां पे जैसे कि पहले मैंने बता दिया, अगर हम नेचर ऑफ सर्फेस चेंज करेंगे, पहले ये रफ था, अब इसको थोड़ा सा स्मूथ करते हैं, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या होगा, वो कम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सो इट मीन्स दैट द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सर्फेस। इज दिस क्लियर? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सर्फेसिस। ओके, अब दूसरी बात है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ द सर्फेसिस। एक होता है नेचर ऑफ सर्फेस। नेचर ऑफ सर्फेस से मुराद ये है, अगर हम जो सर्फेस जो आपस में टच कर रहे हैं, विच आर इन कंटेक्ट, अगर उनको हम पॉलिश करेंगे तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ द सर्फेसिस। नेचर ऑफ मेटीरियल हम चेंज नहीं करेंगे, हम उनको पॉलिश करेंगे, ठीक है ना, स्मूथ बनाएंगे, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन काम हो जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, इसी तरह से अगर यहां पे हमने वुडन ब्लॉक रख दिया, अगर मेटेलिक ब्लॉक रखेंगे तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जनरली यहां पे मैं एग्जांपल, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर वुड एंड वुड के अगर मैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देखेंगे वो ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हाट, वुड एंड लेदर। अगर वुड लेदर पे रखेंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू वुड एंड वुड। इज दिस क्लियर? इसी तरह से अगर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देखेंगे ग्लास एंड ग्लास, ग्लास पर दूसरा ग्लास रखेंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देखेंगे, वहां पे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू वुड एंड वुड। इज दिस क्लियर? इसी तरह से अगर कास्ट आयरन पे कास्ट आयरन रखेंगे, वहां पे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देखेंगे, वो बहुत ही ज्यादा होता है। इज दिस क्लियर? सो इट वेरीज, सो इट इंडिकेट्स दैट द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ द सर्फेस इन कंटेक्ट। तो दिस इज द फोर्थ लॉ। सो व्हाट इज द फोर्थ लॉ? देन फोर्थ लॉ, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस एंड कंटैक्ट डिपेंड्स, या शॉर्ट में लिखेंगे इस तरह से, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस एंड नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ सरफेसेस एंड कंटेक्ट। ठीक है, एक तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ सरफेस पे भी ये डिपेंड करता है। इज दिस क्लियर टू यू? तो अभी मैंने समझा दिया, अगर रफनेस हम कम करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, अगर हम सरफेसेस का जो मेटीरियल है वो चेंज करेंगे, यहाँ पे वुड रखा है, अगर हम वुड के नीचे लेदर रखेंगे या ग्लास ले लेंगे, वहां पे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ और होगा, वो डिफरेंट होगा। इज दिस क्लियर टू? सो इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली द नेचर ऑफ सर्फेस बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ द सर्फेस। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, दिस इज द फोर्थ लॉ। अब ये जैसे कि पहले फसला में हमने बता दिया जो मैग्नीट्यूड है डिपेंड्स ऑन व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे लास्ट लॉ बता रहे इट नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन द नॉर्मल रिएक्शन बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, द सर्फेस इन कंटेक्ट, नेचर ऑफ सर्फेस इन कंटेक्ट। इज दिस क्लियर टू यू? तो वहां पे तो हम तो जो फर्स्ट लॉ है तो उसका मतलब ये है वो कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट करेंगे कैसे, उसमें ये लॉ भी आना चाहिए, फोर्थ लॉ भी उसमें आना चाहिए कैसे। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ
फोर्थ लॉ भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए. सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ. सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन, है ना. और वो क्या राइट है, एफ एल इज इक्वल टू म्यू आर. इज दिस क्लियर? म्यू हमने यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने इंट्रोड्यूस किया, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसिस. कैसे, अभी मैं बता दूंगा. तो जो म्यू है इट इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, एंड दिस म्यू इज इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाई आर. आर जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ये नीचे जाएगा, एंड इट इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एक नई टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस हमने कर दी. जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो लॉन्ग एज द नेचर ऑफ सर्फेस एंड नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ सर्फेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जब तक नेचर ऑफ मेटीरियल सर्फेस एंड नेचर ऑफ सर्फेस चेंज नहीं होगा तब तक ये कॉन्स्टेंट रहता है. दिस रेशियो, दिस रेशियो इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना. ओके, अब ये कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसको भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन भी होता है, ठीक है. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस इन कंटेक्ट. ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज इन कंटेक्ट. इज दिस क्लियर यू? एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इज दिस क्लियर? फोर्स ए भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, ऊपर भी न्यूटन आएगा न्यूटन, नीचे भी न्यूटन, न्यूटन कैंसिल. तो इट मीन्स दैट कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस. इज दिस क्लियर? इसके यूनिट्स नहीं है. इज दिस क्लियर? ओके, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, नंबर वन. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटीरियल, मेटीरियल इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ सरफेसेस, ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. तो ये इन दो चीजों पे डिपेंड करता है. इज दिस क्लियर यू? तो इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन भी है, या लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन भी है. जो फोर लॉज यहां पे है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए, इस तरह से लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन के लिए भी ऐसे ही चार लॉज है. इज दिस क्लियर यू? अब यहां पे रेस्ट पे है, ये तैयार है कि ये ऐसी स्टेज है जहां पे ये तैयार है कि ये मूव करे ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबल. वहां पे देयर इज एक्चुअल मोशन, ठीक है ना. वहां पे एक्चुअल मोशन है, यहाँ पे एक्चुअल मोशन नहीं है. दिस इज अ डिफरेंस. तो लॉज ऐसे ही रहेंगे. इज दिस क्लियर यू? ओके, तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया है लॉज ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसी तरह से लॉज ऑफ फोर्स ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, वो इसी तरह से है, वो आप खुद कर लेना. ओके.